27 लाख की कर दी हेराफेरी, चेक भी कर दिया गुम। एक महीने बाद चेक से निकाले पैसे, जांच में बड़ा खुलासा। किसने मारा पैसा, किसने की इतनी बड़ी साजिश? पहले चेक गुम होता है, फिर जब मामला शांत होने लगता है तो उसे चेक से पैसे की निकासी कर ली जाती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, मामला बेगूसराय का है, जहां डाक विभाग की एक बड़ी काली करतूत सामने आई है। 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 27 लाख की हेरा फेरी सामने आई। लेकिन इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चेक गुम होने के बाद उससे पैसे की निकासी कैसे हुई, क्यों उस चेक से निकासी नहीं रोकी गई। इस साजिश को ऐसे अंजाम दिया गया कि किसी को कानो कान भनक न लगे। पहले बैंक में एक लावारिश खाता खोला गया, फिर चेक की राशि निकाल ली गई। हालांकि इस मामले में जांच टीम का गठन कर उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। तत्काल प्रभाव से 4 डाक कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह चेक का मामला है, एक चेक खो गया था, जो खो गया था उसका बैंक को इंफॉर्मेशन भी दिया गया था, उसके बावजूद भी जो खोया हुआ चेक है जो भंज गया है, जिसका रुपी 27 लाख। यह जानकारी बिहार से मिली चेक संबंधी, और उसके बाद से जहाँ इंक्वायरी थोड़ा कराया गया तो अब चेक का मामला प्रकाश में आया। 4 लोगों पर अभी तक कार्रवाई की गई है, आगे इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी टीम गठित कर दिया गया है, और जो रिपोर्ट आता है आपको भेजा जाएगा। हाँ, मुख्य डाक विभाग के। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बिहट उप डाकघर में एक व्यक्ति के लावारिश खाता खुलवाकर बड़ी राशि को गबन करने का प्रयास करने का मामला सामने आया। जब उस व्यक्ति ने एक दिन 2 लाख की राशि निकाली, तभी डाक अधिकारियों को शक हुआ तो वो 2 लाख की राशि छोड़कर मौके से भाग गया। इसके बाद पदाधिकारियों को शक हुआ और पूरे मामले की तहकीकात शुरू की गई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। हालांकि अब तक 27 लाख रुपए की हेराफेरी हो चुकी थी। जिवेश तरुण, बेगूसराय।